मेहमान नवाजी के चलते भी हम लगभग 300 करोड़ लीटर पीने योग्य पानी रोज़ बर्बाद कर रहे हैं। मेहमान नवाजी से मेरा मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे घर में आता है या हमारे ऑफिस में आता है या हमारे व्यापारिक संस्थान में आता है, हम उसे जो है पानी परोस करके गिलास में देते हैं। कभी आपने गौर किया कि वो व्यक्ति कभी एक घुट पानी पीता है, कभी आधा गिलास पानी पीता है और कभी जो है आवश्यकता ना होने पर भी पूरा पानी पी जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि एक घुट पानी आदमी पीकर छोड़ देता है तो केवल बचे हुए पानी की बर्बादी नहीं है, उस पानी को शुद्ध करने में हमारे जो आरओ है उसने कितना पानी बर्बाद किया है, बाकी वो गिलास उठ करके वापस से सिंक में जाता है और फिर से उसकी धुलाई में कितना पानी खर्च होता है। और साथ में जो व्यक्ति प्यास ना होने पर भी पानी को पी जाता है क्योंकि उसके शरीर की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए आधे घंटे बाद एक घंटे बाद शरीर जो है मूत्र के रूप में उस पानी को निकाल देता है, उसके बाद फ्लश करना, हाथ धोना इत्यादि, यदि हम सबको जोड़ें तो आपको जान के हैरानी होगी कि यदि हमारे देश में हम कुल परिवारों की संख्या देखें, व्यापारिक संस्थानों की संख्या देखें तो लगभग 30 करोड़ जगह ये काम यदि एक बार भी दिन में होता हो तो ये आंकड़ा 300 करोड़ लीटर पीने योग्य पानी के बर्बादी का बैठता है। तो भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मेहमान नवाजी का तरीका बदलें, यानी कि जिस तरह आप किसी को खाने पर बुलाते हैं और डाइनिंग टेबल पर आप सब्जी का, दाल का, सलाद का आप बाउल रख के उसके सामने खाली प्लेट रख करके जो है उसको स्वतंत्र छोड़ते हैं कि वो अपनी इच्छा के अनुसार जो है कितनी मात्रा में खाना है, कौन सी चीज़ खानी, आप स्वतंत्र छोड़ते हैं। और आपसे एक बात पूछता हूँ, यदि वो व्यक्ति जो है आधी कटोरी सब्जी, आधी कटोरी दाल और थोड़ी सी रोटी अपनी प्लेट में छोड़ करके उड़ जाता है तो आपको कितना बुरा लगता है? केवल इसलिए कि थोड़ी मेहनत आपकी लगी है, थोड़ा पैसा आपका लगा है, लेकिन पानी को लेकर के लिए मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जब कोई व्यक्ति एक घुट पानी पी करके बाकी पानी को छोड़ करके टेबल से उड़ जाता है तो ना उसको बुरा लगता है ना आपको बुरा लगता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम पानी के लिए पे नहीं कर रहे हैं, आज हम पानी के लिए तरस नहीं रहे हैं तो इसलिए पानी की बर्बादी हमें दुख नहीं दे रही है। लेकिन सचेत करना चाहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब बूंद बूंद पानी के लिए हम लोग तरसेंगे। तो अतिथि सत्कार यानी कि मेहमान नवाजी का तरीका बदलें, पानी की बंद बोतल और साथ में गिलास अतिथि के सामने रखें और उसको अपनी इच्छा अनुसार पानी की आवश्यकता है कि नहीं आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है उसके लिए स्वतंत्र छोड़ें। भाइयों, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आखिर कब तक सरकारों को कोसते रहेंगे? कौन सा सामाजिक संगठन हमारी मदद कर पाएगा? इस स्थिति को हमने ही पैदा किया है और हमारे खुद के प्रयास ही हमें इस संकट से बाहर लेकर के आएंगे। अब तो सुधरो, अपनी जिम्मेदारी को समझो, ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ियां पानी के अभाव में हमें कोसते हुए ख़त्म हो जाएं।